मुरादाबाद जनपद के जिला कलेक्ट्रेट स्थित भारतीय लोकतंत्र बचाव मोर्चा एवं राजकीय बहेरिय जनजाति विकास मंच के बैनर तले झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा। मामले की जानकारी देते हुए नेम सिंह बहेलिया ने बताया कि मुरादाबाद के मंझोली चौराहा थाना मंझोला के पास करीब 20 वर्षों से गरीब जो मकानहीन व रोजगारहीन हैं, दलितों के करीब 50 परिवार निवास कर रहे हैं। ये लोग अपनी झोपड़पट्टी व तंबू लगाकर उसमें अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारियों ने पुलिस बल के साथ मलिन बस्तियों में पहुंचकर वहां से इन्हें हटाने का दबाव बनाया। न हटने पर जबरदस्ती उनकी बस्ती उजाड़ने की धमकी दी। हमारी मांग है कि इन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को न हटाया जाए। हटाने से पहले इन सभी गरीब दलित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निःशुल्क आवास प्रदान किए जाएं। मेरा नाम है नेम सिंह बहेलिया और राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और मेरा नाम है नेम सिंह बहेलिया और मेरा जो संगठन है पूरे भारत में कार्य कर रहा है, लेकिन आज मुरादाबाद के एक मंझोली चौराहे की एक घटना आई है। वो घटना ये है कि हम चाहते हैं सरकार इसको स्मार्ट सिटी बनाए, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ से 18 से 19 साल से ये घुमंतु अति पिछड़े समाज के जो लोग परमानेंट एक जगह रह रहे हैं, लेकिन ना इन्हें खाने की सुविधा है ना रहने की सुविधा है। अपने बच्चों का लोहा पीट करके कवाड़ा बीन करके गुजारा करता है, लेकिन आज वहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर इनको उजाड़ने का काम सरकार कर रही है और नगर निगम कर रही है। हमारी मांग यह है कि ये समाज वो समाज है जो मुगलों से नहीं दबा है ना अंग्रेजों से दबा है, और इनका हमेशा इन्होंने तीर भाले और पता नहीं कौन कौन से हथियार इन्होंने बना के दिए हैं। सबसे बड़ा अगर योगदान इस भारत में अगर इस आज़ादी के पीछे किसी का हाथ रहा है तो इसी समाज का रहा है, लेकिन आज दुर्भाग्य से आज इनको जो उजाड़ा जा रहा है, इसके लिए हम ज्ञापन डीएम साहब को दिया है। हमने ये मांग रखी है कि इनको ऐसे हटाने से पहले इनको कहीं रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क इनका है, ये देश इनका है, जल जंगल और जमीन पे इनका अधिकार था, लेकिन आज ये खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं, तो कम से कम इनको वहां से उजारने से पहले इनकी कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। ओमकार सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय लोकतंत्र बचाव मोर्चा। आज श्रीमान जिलाधिकारी को भारतीय लोकतंत्र बचाव मोर्चा और राष्ट्रीय बहेलिया विकास मंच ने संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि करीब 20 वर्ष से मझोली चौराहे पर जो आबादी बसी हुई है उनकी झोपड़ पट्टी है, उनके सर पर छत नहीं है। वो झोपड़ पट्टी में जिस तरह से जिंदगी जी रहे हैं एक नरकीय जिंदगी है। ये नगर निगम और उसके अधिकारी इस नरकीय जिंदगी में भी इसे जीने का हक नहीं दे रहे हैं और इन्हें उजाड़ना चाहते हैं। इस देश में कानून है कि यदि किसी को उसकी जगह से हटाया जाता है तो उसको पहले उसके रहने की पुनर्वास व्यवस्था की जानी चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि इनकी आबादी हटाने से पहले इनको पुनर्वास व्यवस्था करी जाए, इनके लिए फ्री मकान दिए जाएं, क्योंकि पूरे शहर में हजारों मकान अभी फ्री हैं, खाली हैं, उनको अगर इन्हें आवंटित कर दिया जाए तो इनके रहने की व्यवस्था हो जाएगी और इनको भी एक छत मिल जाएगी, जो प्रधानमंत्री का विजन है। लेकिन नगर निगम ऐसा नहीं चाहता। नगर निगम दलित स्मार्ट सिटी के नाम से दलितों को उजाड़ना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, उनको रोजगारहीन करना चाहता है। नगर देखिए, ये सरकार बनियों की है, मोटे लोगों की है, गरीबों की इस सरकार में कोई नहीं सुन रहा है। इनके क्षेत्र में सभासद बीजेपी का, महापौर बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, और इससे पहले यहाँ सांसद भी बीजेपी का रह चुका है, तो किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। केवल चुनाव के समय पर इन्हें हिंदू बनाया जाता है, बाकी इनको उजाड़ा जाता है, तो बीजेपी एक धोखा है। हम फिर भी मांग करते हैं कि अगर बीजेपी को सद्बुद्धि आ जाए
और इनको पुनर्वास व्यवस्था की जाए या इनको उसी जगह मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता सरकार द्वारा की जाए।